पोलर फॉर्म में किस तरह चेंज करेंगे इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। पोलर फॉर्म पहले मैं बता दूं क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज द पोलर फॉर्म। ओके, अब ये पोलर फॉर्म है ना, अब इस पोलर फॉर्म में हमें करना क्या है बहुत ध्यान से देखना आप लोग। पोलर फॉर्म में हमें करना क्या है, इस पोलर फॉर्म में पोलर दिखाई दे रहा है सभी को, पोलर फॉर्म में हमें करना क्या है बेटा, पोलर फॉर्म में जो ये आर है, जो आर है ये तो होता है मॉडुलस, आर का मतलब होता है मॉडुलस, और जो थीटा होता है वो होता है आर्गुमेंट। तो हमें आर और थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे कंपेयर करूंगा, जेड की जगह लिखूंगा एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू माइनस वन माइनस आईटा, सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस वन और वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। तो आर की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर, मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस, ये वैल्यू किसकी है मॉडुलस, राइट। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा, हम यहां से वैल्यू पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू वन प्लस वन, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस। R की वैल्यू कितनी हो गई बेटा रूट टू, ये क्या है मॉडुलस। अब मुझे क्या निकालना है थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड वाई अपॉन एक्स, मैंने बता रखा है आपको tan theta is equal to mod y upon x। अब यहां से tan theta is equal to वैल्यू रखेंगे माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो ऐसे कैंसर tan theta is equal to वन आ जाएगा बेटा, tan theta is equal to वन, कोई डाउट तो नहीं आता। अब tan theta equal to वन, तो वन किसकी वैल्यू होती है tan में, 45 की वैल्यू कितनी होती है वन होती है, तो वन को क्या लिखते हैं हम पाई बाय फोर, तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इसको क्या tan पाई बाय फोर, तो थीटा की जो वैल्यू मिलेगी मुझे इट विल बी पाई बाय फोर, बट इट इज द नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ थीटा, मैंने क्वाड्रेंट बताया था ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है थीटा की। तो अब हम कहां पे जाएंगे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, हम जाएंगे क्वाड्रेंट में, तो क्वाड्रेंट देखते हैं बेटा, ये रहा क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसमें हमें क्या करना है बहुत ध्यान से देखना, यहां पे जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, एक बार मुझे ये बता दीजिए आप, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी, क्योंकि यहां पे तो होता है क्या प्लस प्लस, यहां पे क्या होता है माइनस प्लस, यहां पे क्या होता है माइनस माइनस, और यहां पे क्या होता है प्लस माइनस, ऐसे तो होता है। और ये मैंने आपको बताया था ये रियल एक्सिस होता है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये भी बात मैंने बता के रखी है। तो ये माइनस और माइनस दोनों माइनस है, दोनों एक्स माइनस है, तो इट्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है एग्जैक्ट थीटा माइनस पाई माइनस थीटा, ये तो होता है ना भाई, इसमें क्या होता है थीटा का थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, और इसमें माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा, और इसमें माइनस थीटा, सो माइनस पाई माइनस पाई बाय फोर, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री पाई बाय फोर, तो एग्जैक्ट थीटा क्या आया
एग्जैक्टली माइनस थ्री पाई बाय फोर। अब मैं इसको पोलर फॉर्म में रखूंगा, किसमें रखूंगा, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या आएगा, एक्स प्लस आई का वाई, एक्स प्लस आई का वाई की जगह डायरेक्ट क्या रख देंगे हम, डायरेक्ट माइनस वन प्लस माइनस वन माइनस आईटा इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है रूट टू, आर की वैल्यू रूट टू कॉस थीटा की वैल्यू माइनस थ्री पाई बाय फोर और प्लस आई साइन माइनस थ्री पाई बाय फोर। अब आपको पता होना चाहिए कि यहां पे कोस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कोस माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस माइनस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कॉस थीटा और कॉस साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। तो यहां पे वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं रूट टू, ये तो आ जाएगा कॉस थ्री पाई बाई फोर और ये आ जाएगा माइनस आई साइन थ्री पाई बाई फोर। तो दिस इज एग्जैक्ट पोलर फॉर्म, दिस इज अ सॉल्यूशन। इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो क्या है, रूट टू कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस आई साइन थ्री पाई बाई फोर। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर, दिस इज द टेंथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो। सबसे पहले इसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज करेंगे। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पे लिखेंगे वन, यहां पे भी वन लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज रूट टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। तो ये रूट टू चले जाएंगे जीरो में, तो एग्जैक्टली हमें क्या मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। नो प्रॉब्लम। नाउ अब यहां से कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहां पे जो a की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी रूट टू, b की वैल्यू मिलेगी 1 बिकॉज इसका कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू मिलेगी रूट टू। तो सबसे पहले d हम फाइंड करेंगे, d क्या होगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू तो b क्या, b 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट टू इंटू रूट टू, तो 1 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, तो d की वैल्यू एग्जैक्टली मेरे पास कितनी है माइनस 7। d की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है मेरे पास माइनस 7। अब d की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो रूट्स मुझे मिलने वाले हैं वो कैसे रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे और इमेजिनरी नंबर हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है श्री ध्राचार्य रूल, ये होता है श्री ध्राचार्य रूल, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते थे हम, लेकिन अब क्या बोलेंगे श्री ध्राचार्य रूल, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस वन, बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 7 अपॉन टू इंटू रूट टू, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस 1 प्लस माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं रूट 7 आईटा, लिख सकता हूं ना रूट 7 आईटा, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकता हूं रूट 7 इंटू रूट माइनस 1 और ये क्या होता है आईटा, तो ये हो जाएगा रूट 7 आईटा अपॉन टू रूट टू। तो यहां से इसके दो जीरो निकालते हैं,
दो जीरोस कौन कौन से निकलेंगे, एक तो आ जाएगी एक्स की वैल्यू, एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस, माइनस वन प्लस रूट सेवन आईटा अपॉन टू रूट टू, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन माइनस रूट सेवन आईटा अपॉन टू रूट टू। तो इसके दो जीरो जाएंगे और दोनों जीरो कैसे हैं, दोनों जीरो इसके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों जीरो कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके इमेजिनरी रूट हैं। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। थैंक यू।